गाइस बेल्टॉन का क्लास ऑलरेडी डिजाइन हो चुका है। तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर पे जाइएगा, प्ले स्टोर पे सर्च मारिएगा 24 स्टडी सेंटर। 24 स्टडी सेंटर का कुछ ये लोगो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक भी डालेंगे, वहाँ पे चले जाएगा और फिर कोर्स वाले सेक्शन में चले जाएगा। रजिस्ट्रेशन वगैरह करने के बाद कोर्स वाले सेक्शन में चले जाएगा। कोर्स वाले सेक्शन में जाने के बाद क्लिक करिएगा, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा बिहार बेल्टॉन एग्जाम। और यहाँ पे आपको 455 रुपये में आप लोगों को पूरा सिलेबस पूरा कंप्लीट होगा, सारे वीडियो लेक्चर होगा, साथ में पीडीएफ होगा, काफ़ी सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा और साथ में मॉक टेस्ट जो कि काफ़ी एक महत्वपूर्ण होगा। ऑनलाइन तरीका से एग्जाम है तो ऑनलाइन तरीका से ही मॉक टेस्ट, अभी एग्जाम तक अभी 20-20 को क्वेश्चन है, फिर 30 को क्वेश्चन होगा, फिर 40 को, फिर 50 को, फिर 60 को क्वेश्चन मिलेगा, बिल्कुल एग्जाम का क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा। अभी काफ़ी सारा और भी मॉक टेस्ट डालना भी बाकी है यहाँ पे। फिलहाल हम थोड़ा सा क्लास दिखा दें। यहाँ पे जैसे क्लास में आप बाय करेंगे तो कंप्यूटर का आपका बुक होगा, यहाँ पे 1000 से भी ज़्यादा कंप्यूटर का कुछ ऑनलाइन क्वेश्चन मिलेगा, प्रीवियस ईयर मिलेगा, बेल्टॉन का जो सिलेबस है वो आपको दिखने वाला है, प्रैक्टिस सेट जो यूट्यूब के अवेलेबल कराते हैं इन सभी का आपको पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और ये कुछ यहाँ पे देख सकते हैं, वीडियो लेक्चर आपको यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। ये गाइस यहाँ पे सारा जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सारा वीडियो लेक्चर और साथ में गाइस कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिए हैं, अभी और भी सारा डलने वाला है जो कि वीडियो के माध्यम से बताया गया है। तो ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हैं, केवल 455 रुपये में यहाँ पे। हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के बीच लेके आया हूँ बिहार बेल्टॉन एग्जाम 2024 प्रैक्टिस सेट 7। तो पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पीडीएफ टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लेके आती हूँ। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कैसा है, कंट्रोल ए से क्या होता है, कंट्रोल ए से क्या होता है, ऑल सेलेक्ट होता है, मूव होता है, कॉपी होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। तो कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट होगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसा क्वेश्चन भी रहेगा, कंट्रोल सी से क्या होता है, कॉपी होता है, पेस्ट होता है, दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉपी, कंट्रोल सी से कॉपी होता है, ए करेक्ट आंसर होता है, कंट्रोल पी से पेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3, सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर है, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, ऑपरेटिंग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डिजिटल कंप्यूटर, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4, मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी कंप्यूटर रो कहाँ बनाया गया, ए प्रथम पीढ़ी में बी, द्वितीय पीढ़ी में सी, तृतीय पीढ़ी में डी, चतुर्थी पीढ़ी में। तो इसका आंसर हो जाएगा तृतीय पीढ़ी हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर होगा, मल्टी प्रोग्रामिंग होगा तो तृतीय पीढ़ी होगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5, व्यक्तिगत तौर पे किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, मिनी कंप्यूटर का किया जाता है, सुपर कंप्यूटर का किया जाता है, माइक्रो कंप्यूटर का किया जाता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर किया जाता है। तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा, माइक्रो कंप्यूटर हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, व्यक्तिगत तौर पे माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है। तो इसका क्या आंसर होगा, सुपर कंप्यूटर होगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूर्व में प्रोटॉन के साथ कार्य करने वाला कंप्यूटर किस युग के कंप्यूटर थे, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, दूसरे हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8, सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था, ब्लेज पास्कल, हावर एलेकेन, सी ब्लेज पास्कल डबल हो गया, जोसेफ जैक्यूड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा, जोसेफ जैक्यूड, सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किया था, डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 9 देखिए, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है, हर्मन होलेथिट, बी चार्ल्स बेबेज, सी वान न्यूमैन, सी डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, वान न्यूमैन, सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 क्वेश्चन, प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास से सर्वाधिक योगदान किसका है, हर्मर होलेथिट, बी चार्ल्स बेबेज, सी ब्लेज पास्कल, डी विलियम ब्रोसो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर होगा आपका चार्ल्स बेबेज हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, और कंप्यूटर का पिता भी चार्ल्स बेबेज होगा, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्ड को प्रदर्शित करता है रैम, आउटपुट, इनपुट, रोम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, रोम हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो कीबोर्ड में जो ऊपर का फंक्शन की संख्या होता है एफ से शुरू जो होता है वो 14 होता है, 13 होता है, 15 होता है या 12 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा, फंक्शन की संख्या 12 होता है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस है ALU, कंट्रोल का संकलन, रैम, माउस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर आपका होगा रैम हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या है? भीतरी है, बाहरी है, ए तथा बी दोनों है, सहायक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? तो विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? 1978 में बना, 1976 में बना, 1980 में बना, 1981 में बना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 1976 में विश्व का सुपर कंप्यूटर बना, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? माइक्रो प्रोसेसर का बात आए तो किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? प्रथम का है, द्वितीय का, तृतीय का, चतुर्थ का है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चतुर्थ होगा, माइक्रो प्रोसेसर चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 17, कंप्यूटर में कीबोर्ड की क्या काम है? छापना है, इनपुट करना है, दोनों है, उपयुक्त सभी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनपुट करना है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है? आउटपुट है, इनपुट है, दोनों है, डिवाइस नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इनपुट है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर कीबोर्ड में ऐप से प्रयोग होने वाले फंक्शन बटन की संख्या कितनी है? तो वही है, फंक्शन संख्या 12 होती है, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रिपीटेड हो गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंकीय कोड के माध्यम से कंप्यूटर में इनपुट करने का कौन सा साधन है? कीबोर्ड है, मॉनिटर है, स्कैनर है, माउस है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? स्कैनर हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को बिहार बिल्डर का क्लास लेना है तो ऐप पे डिजाइन हो चुका है, तो 24 स्टडी सेंटर डाउनलोड करें।